क्या नाम है आपका? सुशासन प्रधान। पेशेंट का क्या नाम? आरके गजेंद्र। आपके कौन लगते हैं? ससुर जी। ससुर जी, तो जब आए थे इनको क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ तो बहुत थी, जैसे वोमिटिंग और खुजली टाइप का, भूख कम लगना ऐसे कुछ। और जब टेस्ट कराए थे तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आई थी, क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ गया था आपका सब कुछ। ये 2 महीने पहले आपसे ले गया था दवाई। तब कितना था क्रिएटिनिन इनका? 11.14 ऐसे। अच्छा, तब डायलिसिस बोल दिया था डॉक्टर ने? हाँ, बोल दिया था डायलिसिस। फिर आपने कराया था डायलिसिस? नहीं, आपसे बोल के रखवाया था। अभी कैसे हैं? नहीं, अभी ठीक है, कंडीशन तो ठीक है, अच्छी है। उड़ीसा में कहाँ से है पेशेंट? खुर्दा पुरी से, भुवनेश्वर से 8-10 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी फिट लग रहे हैं? बिल्कुल उल्टी वगैरह आ रही है? नहीं नहीं, अब नहीं है, आपका अभी से बंद है। और क्या क्या? नहीं, जो पहले कभी कभी चक्कर आ जाते थे, उल्टी वगैरह होता था, जो ज़्यादा वीक हो गए थे, अब ठीक है। ये रिपोर्ट है पेशेंट ने, उड़ीसा से ही कराई है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सम हॉस्पिटल से। इसके अंदर पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो 10.52 है, 10.52 इनका क्रिएटिनिन है। उड़ीसा की है रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कराई गई है 25/10/2017 में, 25/10/2017 की यह रिपोर्ट है। अब इन्होंने लेटेस्ट एक रिपोर्ट कराई है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल उड़ीसा से ही कराई है, और ये कराई है इन्होंने 30/10/2017 को। और अब इनका जो क्रिएटिनिन है वो है 6.73। जब ये पेशेंट का क्रिएटिनिन 10 के आसपास आ गया था, इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, डायलिसिस के प्रोटोकॉल में ये एंटर कर चुके थे उस टाइम पे, और फिजिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वॉमिटिंग आ रही थी, इचिंग हो रही थी। अभी जो 2 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद इनके फिजिकल सिम्टम्स भी सबसाइड हो चुके हैं, और क्रिएटिनिन और यूरिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। अब जो प्रश्न उठता है, जो सवाल उठता है, वो यही उठता है कि जब एक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं तो बाकी को क्यों नहीं आ सकते? अगर ये सब चीज़ें लग के फॉलो कर सकते हैं, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, अगर बाकी भी सब चीज़ें लग के फॉलो करें तो उनके अंदर भी चेंजेस ज़रूर आएंगे। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।